सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भक्रतुंग सप्तश्लोके दुर्गे शिव उवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच शृणु देव भक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तवैव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोक स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीतर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञाने नाम विजेता श्री देवी भगवती साम बलाधाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिः का त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्ताम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमास्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमास्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वन्विते भयव्यस्त्राहिणो देवि दुर्गे देवि नमास्तुते। रोगानशेषानपः स्थितुष्टा रुष्टातु कामान् सकलान्नभीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीश्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चन्द्रघण्टा महातला मना बुद्धिरहङ्कारा चित्ररूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी
अनन्ताभ्याभ्या सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रचना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अभरणानेकभरणा च पाटलापाटलावती भट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना विशुं वशुं वाहनने महिषासुरमर्धिनी मधुकेटवहन्त्री च चण्डमण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च केशवी युवतेजतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तवस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरी शिवधूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् प्रवढे नित्यम् दुर्गा नाम सदाष्टकम् नासाध्यम् भिद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायामयमस्ति न मे च चतुर्भर्गम् तथा चान्त लवेन्मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयेश्वर्या भक्त्या पठे नाम सदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानादासताम् जान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्षयन्त्रम् विधिना विदिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारि भूमाभास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतविशाम् गते विलक्ष्य प्रपटे स्तोत्रम् सर्वभे सम्पदा पद प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करभद माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मा जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टमशृङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासप्तमातरो भीष्म दिगबन्धदेवतास्तत्र श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्भ्यं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां लण्डकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मा उवाच अश्रीगृहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तोकवचं पुण्यं तश्रलश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिधात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव मयार्थः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कले न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ज्येष्ठां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् सञ्चयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासनां यन्त्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनां माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहनां लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनां ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगः समन्विताः नानाभरणशोभाख्या नानारत्नाभिशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां चक्रिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तामरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्ताजुधं त्रिशूलं च शारङ्गमाजुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दार्यन्द्रायुधा नित्रं देवानां सहिताय वे नमस्त्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयभिनाशिनि राहि मा देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणे रक्षे वायव्यां मृगवाहिनि
कुमारी ऐशानम शूलधारिणी उद्धम ब्रह्मान मे रक्षे तदस्ता वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मै जाग्रता पातो विजया पातो पृष्ठतः अजिता भाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्ध्वतने रक्षेतु मामूर्धने व्यवस्थिता बालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमदण्डा च नासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारभासिनी कपाला कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे शिवकं रक्षे वाचा मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बही कण्ठे नलिकां नलकूभरि स्कन्धया खड्गने रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तया दण्डने रक्ष दम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि स्वणौ रक्षन् महादेवे मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणि नाभो च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा भूतना कामिका मेडं हृदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुरे विन्ध्यभासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नखाश्वा कराली च केशाचेव ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कोभेरि तु चम्बालेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्ति मेधासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोश कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखिन्नकज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् सायं छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानं उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनं रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु भाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवि रजाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्ध्रान् मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रां रक्ष महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुभथा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं द्विजस्थानं वर्जितं कवचेनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतो जदेच्छे च ममात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यं मतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्राम्यश्व पराजितः त्रैलोक्य तु सभेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ज्वापभेत्मयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्यश्व पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्योऽभिवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले
भूतराजलाशोपदेशिका सहजा कुलजा माला ढाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा ढाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेतालः कूष्मांडा वीरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न तिर्भवैराग्यस्तेजोवृद्धिकरं परम् दशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेधिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते पर्वं स्थानं जसुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टम छन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मारिकन्धे उभा च ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनि दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वदा नमस्तु दया द्वन्द्वे विचामुण्डे दयाभूतातिहारिणि जय सर्वगले देवी कालरात्रे नमस्तु मधुकेशव विद्यामे पितात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजपदे देवि खण्डमुण्ड विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च वर्धिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि भद्रिताङ्घ्रिदुमे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुभद्रा भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सततं जेत्वां मर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि दुषदां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुरशिरोरञ्जनिकृष्टाचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुरभुजे चतुरभक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि पदि सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दत्त दर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्द दयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं धारिणि दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वातो महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती सङ्ख्य भयमापनोति सम्प्रदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवारिषिः अनष्टवसन्तः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रिया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाग्रधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणाम विकीलकम् स्वविक्षेपम् आप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न शतम् तत्र न किञ्चित् विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तच्चनुक्तम् चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य ताम्यसावन्नियन्त्रणाम् स्वाभिक्षेमम् वाप्नोति सर्वमेवम् न सञ्चयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यते च प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जो निष्क्रियाम् विधायिनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गजः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य भयम् क्वापि ह जायते नापमृत्योपशम् जाते मृतामोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि यज्ञे दृश्यते ललराजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेस्तु जप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्प्रतिरोचकैः भवत्येव समग्रादि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परामाशः स्तूयते स न किम् जनेः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र आय गिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि विष्णुमुते भगवति हे शनि कण्ठकृतम् शनि भोरकृतम् भोरकृते जय जय हे महिषासुरमरन्द्रकमरदनि शैलकृते दुरभर भर शनि दुरधर धर शनि दुरमुखमर शनि हर करते त्रिभुवन पोषण शङ्कर तोषण त्रिलविष पोषण घोषरते धनु जनि रोषण जति पुत्र रोषण सुरमद शोषण सन्द सुते जय जय हे महिषासुर मर कमर भिन शैल सुते हय दम 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 ಮಧ್ಯ ಗದೇ ಮಧು ಮಧ
तिरुपति जय जय हरे महिषासुर मर्दिनी कपारधिनि शैलकुलम् शैलकथोर मदशत्रु बधात कथोर धर निरजर शत्रुवृते चतुर विकार दुरे नमः भूत पिता प्रमथाधिपते भूत दुरे हतुरा शयनुर मतदान वधूत पिता तमते जय जय हे महिषासुर मर्द शरणागत भैरि भदो मर पीर भरा भय दाय करे नमासत शोल विराज शिरावल शोल करे सुम सुम दामर दंभ विनाद महामथुरी दिगम करे जय जय हे महिषासुर मर्द कमर विशोषित सोन तमीज समुद मभुतोल तमीज लते शिव शिव शुंभन शुंभ महावतर पित भूषक चाचरते जय जय हे महिषासुर मर्द रंगक मर्दन शैलकुते रन रन भंडारन कन कंद पर सुर दंदन तटके जय 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 पर सुर विश्व समाधि समान समाधि समान
क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी क्रियन्ते हरनिशामय दातायमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजान्तेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं मदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं हेति कोचरे यां गतिं समभापनोति नाताम् ब्रह्मादयासुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्वां जगदम्बिके इदानीमनुतं चोऽहं यथेच्छसि तथा गुरु अज्ञानाधिश्रुतैर्भ्रान्त्याम् दानोऽनमधिलाङ्कृताम् त्वत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचामि मातृका प्रसीद परमेश्वरि घुह्याति घुह्यघातेकं गृहाणास्मत्कृतां जपां सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादसुरेश्वरि जत भले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण भले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देन भले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे मां से प्रार्थना करते हुए
कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से, इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। चंडिके सतम जेतम अर्चंति भक्तितः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जिहि। हे माँ चंडिकी, इस संसार में जो भी भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, हे माँ, आप उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जिहि। हे माँ, आप हमें सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक भक्ति युक्त होकर के जो भक्त जन जो है माँ के शरणगत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं, वह जहां भी जिस कार्य के लिए भी अग्रसर होते हैं सर्वत्र उन्हें सफलता प्राप्त होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। निरोगी जीवन जीते हुए माँ की भक्ति करते हुए इस लोक में भस्म सुख का भोग करते हुए उनका परलोक जो है कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ के शरणगत होकर के इस जगजननी आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। पद्म पुराण में एक वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी जो है जी विचरण करते हुए जो है राजा अम्बरीश की जो है पुण्यमय नगरी यहाँ मथुरा में जा पहुंचे। ये राजा अम्बरीश जो थे ये भगवत भक्त हुए, भगवान की आराधना करना, साधु संतों का सम्मान करना, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करना, इस प्रकार से ऐसे ये राजा धर्मशील राजा थे और देव योग से देवऋषि नारद जी हैं भ्रमण करते करते इनकी पुण्यमय नगरी मथुरा में जा पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे कहते हैं जहां हरियाली होती है वहां पर बादल होते हैं और जहां बादल होते हैं वहां हरियाली तो होती होती है। इसी प्रकार से जहां भक्त होते हैं वहां संत, जहां संत होते हैं वहां भक्त भी अपने आप पहुंच जाते हैं। ऐसा संयोग बना क्योंकि जब देव कृपा करते हैं तो संतों का संग प्राप्त होते हैं, सत्संग की प्राप्ति होती है। वह देव जो है किसी सदगुरु को, सत गुरु को, किसी सत पुरुष को, महापुरुष को जो है
जीवन में उसका सत्संग जब दिला देते हैं, ऐसा सत्संग प्राप्त होता है कि मनुष्य का जीवन परम पवित्र हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार। कहते हैं कि महर्षि यहाँ नारद जी वहां पर पहुंचे और राजा अम्बरीश ने उनका बड़ा स्वागत किया, अति सत्कार किया, बिठाया, चरण धोए, उनकी पूजा की। ये विधान है जब अतिथि आता है। आज भी कहीं कहीं जो है दक्षिण में अब भी जी ये परंपरा अभी भी है। अतिथि आते हैं उनका सत्कार करते हैं, उनके चरण धो जाते हैं, पूजन किया जाता है, तिलक करते हैं, आरती करते हैं, गंध पुष्प धूप आदि से अतिथि का पूजन किया जाते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, फिर जलपान होता है। ये एक विधान है, परंपरा जो है। और आज कुछ ऐसे स्थान है जहां पर ये परंपरा जो है ये पाई जाती है। ऋषि का सत्कार किया, बिठाया, उसके उपरांत जो है महाराज अम्बरीश ने देवश्री नारी से कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। ऋषि ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। पूछिए राजन, प्रभु भक्ति जो है ये कितने प्रकार की होती है? जब राजा ने प्रश्न पूछा तब जो है देवश्री नारद जी कहते हैं, नारद बड़े प्रसन्न हुए राजा के इस प्रश्न को सुनकर के। राजन, संतों को जो है सम्मान देना आपका स्वभाव है, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। राजन, प्रश्न पूछ करके आपने मेरे चित्त को, मेरी आत्मा को जो है भगवत रस से जो है भगवत रस का जो है आपने भोजन करवा दिया है। मैं एक दिन पहले बतला रहा था कि 24 तत्व का जो निर्मित शरीर जो है इसको हम जो संतुष्ट करते हैं भोजन करवाते हैं, परंतु कभी जो है मनुष्य ये नहीं सोचता है कि हमारे अंदर जो आत्मा जो शरीर जिससे चल रहा है, जिससे शरीर को धारण किया है, वह आत्मा जो है कभी उसको भोजन नहीं करवाया। उसका भोजन क्या होता है? उसको प्रसन्न करने, उसको रिझाने के लिए आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? तभी साधक कहते हैं सब कुछ है, तंदुरुस्ती भी है, घर परिवार में सब ठीक है, परंतु आत्म सुख नहीं है, आत्म शांति नहीं है। आत्म शांति कैसे होगी जब आत्मा भूखी बैठी है? जब आपको भोजन न मिले आप कितने अशांत हो जाते हैं। भोजन मिलता है अब ठीक है, हम अब चल सकते हैं, अब ठीक है। जो आत्मा जो भूखी रहती है उसको कुछ खाने के लिए मिलता नहीं तो वह भी फिर अशांति ही रहती है। तो आत्म शांति कैसे मिले? जहां पर जो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जलपान से तो आपने जो संतोष किया शरीर को, परंतु जो प्रश्न कर करके जो है मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिए हैं, अर्थात इस प्रकार भगवत रस का भोजन ही आपने दे दिया है, जलपान जो है इससे जो है शरीर की जो है ये सेवा होगी, लेकिन प्रश्न पूछ करके आपने जो है मेरी सेवा कर दी, अर्थात भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के बतलाए। जो कह रहे हैं जो बतला रहे हैं कि अनेक प्रकार की भक्ति है। तो जी आत्म सुख जो नारद जी को मिला, आत्मा तृप्त हुई, तो आत्मा तृप्त कैसे होती है? सत्संग, नाम जप, जे भक्ति करना, भगवान का ध्यान करना, प्रतिदिन प्रातःकाल। इसीलिए जो संध्या का समय बतलाया गया है कि प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए, फिर जो है इस आत्म शांति के लिए नाम जप कीजिए। जैसे सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे ही आत्मा को प्रसन्न करने के लिए नाम जप उसकी जो ब्रेकफास्ट है। दिन भर जो है आप अशांत नहीं होंगे, कोई क्लेश नहीं होंगे, किसी प्रकार के दुख नहीं आएंगे, और इस प्रकार से आप जो दिनचर्या आपकी ठीक रहेगी। सायंकाल को फिर जो है माँ के शरणागत होकर के माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें, माँ के नाम का जप करें, तो रात्रि में आनंद ही आनंद रहेगा, अनंत पूर्वक जो है कोई आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। माँ का नाम जो है इसमें ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, इसका नाम जप करें तो अपने आप बड़े आराम से नींद आएगी, पूरी शांति बनेगी। प्रातःकाल माँ का नाम
जपते हुए माँ का स्मरण करते उठे और अपनी दिनचर्या उस प्रकार से ये प्रारंभ करें, ये आत्मा का भोजन होता है, ये सत्संग जो आपको प्राप्त हुआ है, नाम जप जो है। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि राजन भक्ति तो अनेक प्रकार की। जो भगवान ने शबरी को जो उपदेश दिया, नौ प्रकार की भक्ति बतलाई है, परंतु ये कहते हैं अनेक प्रकार की भक्ति जो है, ये कायिक वाचिक मानसिक जीवी भक्ति है, काया के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। तो जी भक्ति जो बतलाते हैं कि मानसिक भक्ति जो है कि मन के द्वारा जो है ध्यान से पहले भगवान को बार बार जो है देखा जाता, ध्यान कीजिए, भगवान के स्वरूप को देखिए। आप घर में बैठे हैं, माँ का ध्यान कीजिए तो आप माँ के दरबार में पहुंच जाएंगे। इस पिंडी रूम में दर्शन करें, माँ को प्रणाम करें, शिवाय प्राप्त करें, प्रतिदिन हर क्षण हर पल जो है माँ का स्वरूप आपके सामने हो। तो जी मानसिक भक्ति जो है कि ध्यान से पहले भगवान को, भगवती का जो है बार बार जो है उसे देखें, उसका ध्यान करें, जिससे धारणा होती है और जो भगवान जो है सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा गया है। सत चित आनंद जो सत्य है, चित आनंद जो है, इस प्रकार से यही भगवान जो सत चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उसका पहले ध्यान करें, अपनी बुद्धि में जो है उसे बिठा करके, जो अपना उसे मान करके साकार निराकार अंतरात्मा रूप का जो है ध्यान किए जाते हैं, इसे जो है मानसी भक्ति कहते हैं। उसका ध्यान करना, अपने हृदय में उसको बिठाना, स्मरण करना, इस प्रकार से जो मानसी भक्ति जो नारद जी जो है जी राजा अम्बरीश को बतला रहे हैं। फिर वाचकी भक्ति जो है, वेद मंत्रों का उच्चारण करना, जो जब भी आपने मंत्र उच्चारण किया है, चाहे वेद मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, मंत्र उच्चारण करना, गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र जो है उसका जप करना, भगवान नाम जप करना, वेदों का पाठ करना, ये वाचकी भक्ति है। वाणी के द्वारा ये भक्ति होती है, इसको कोई आप स्तोत्र ले लें अपने जीवन में और प्रतिदिन जब उसका पाठ करते हैं वह स्तोत्र सिद्ध हो जाते हैं। उसका प्रतिदिन पाठ करें, प्रणाम करें, फिर आप चलिए जिस कार्य में जाएंगे, जो भी मन में चिंतन करेंगे, वो आपकी सब मनोलक्षित कामना जब पूर्ण होंगी, आपका जीवन जो है सदा सर्वदा सुखी बना रहेगा। जो मंत्रों का स्तोत्रों का जब फल होते हैं, जब बार बार श्रद्धा युक्त होकर के, ऐसा नहीं हमने जो पाठ करिए जो सब हो गया, जिस प्रकार से आप जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो इस प्रकार से उसके लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम होता है श्रद्धा से। इसी प्रकार जब साधना करते हैं श्रद्धा से होती है, साधना श्रद्धा से ही फलीभूत होती है। श्रद्धा युक्त होकर के प्रतिदिन जो है आप जो है जब स्तोत्र स्तुति करते हैं, तो ये स्तुति जो मंत्र जो है वे सब उसी के रूप है, उसका समान उसको अपने हृदय बिठा करके फिर स्तुति करें, देखिए कैसे उसकी कृपा आती है। अब जो है इस प्रकार से जो दूसरी भक्ति जो उन्होंने जो वाचकी भक्ति जो बतलाई, फिर कहते हैं कायिक भक्ति, इस शरीर के द्वारा जो भक्ति होती है, काहे कि निजम पालन, निजम पालन इंद्रिय संयम यह अपने हाथ में है। जब सत्संग करते हैं एक क्रम है, जो विधि है साधना की जो है, इस क्रम से जब जो है पहले मानसिक, फिर वाचिक, फिर आती है जो काजी काया के द्वारा, पहले भगवान को हम हृदय में बैठाते हैं, फिर जो है इस प्रकार मंत्र के द्वारा उनका श्रवण करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर जो काया के द्वारा जो है अपने इंद्रियों पर जो है इस प्रकार से निजम पालन करना, इंद्रिय संयम व्रत करना। इंद्र संजय करने के लिए क्या बतलाया गया है, व्रत उपवास कीजिए, एकादशी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत होता है, यह शिवरात्रि का व्रत है, नौ दिन जो माँ की जो साधना की जाती है नवरात्रों में जो है माँ भगवती की उपासना के लिए नवरात्रों के व्रत जो होते हैं, इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत है। ये व्रत उपवास जो है जे इससे जो है ये व्रत क्या है, ये पापनाशनी जिस शक्ति को देते हैं कि जब व्रत करते हैं तो पापों का नाश होते हुए शक्ति ऐसी प्राप्त होती है, पापों का नाश होते ही निरोगी जीवन, आपकी काया भी निरोगी रहेगी, रोग से मुक्त रहेगी। ये व्रत उपवास करने का ये फल बतलाया गया है। जिस प्रकार से अग्नि जो है कास्ट को
जलाकर की राख कर देती है। ऐसे जो व्रत जो पुण्य कर्म जो होते हैं, जे भी पापों को नाश करके वशीभूत कर देते हैं। ऐसे जिनका फल जो जब लाया गया है, फिर भगवत पूजन जो है लौकिक भक्ति उसके प्राण जब है लौकिक भक्ति बताते हैं। इसमें जो है जो अर्घ जो है, जैसे अतिथि पूजा आपको मैंने प्रारंभ में बताया किस प्रकार से राजा ने देवेश नारद जी का अतिथि सत्कार किया, उनका पूजन किया, तो उनको क्या है अर्घ देना, पाद्य देना, और इस तरह से गंध तिल फूल जो है जे अर्पित करना और ज्योत करना, जे जो है लौकिक भक्ति जो है भगवान पूजन, रात्रि जागरण करना, कीर्तन करना आदि जो वैदिक भक्ति जो है। फिर उसका वैदिक भक्ति बतलाई है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जो है, तथा इनका पाठ करना और जो है जप करना, यज्ञ याग करना आदि जो है, जे जो है जी भक्ति जो वैदिक भक्ति जो बतलाई गई है। फिर जो है कहते हैं कि राजन देव पूजा यज्ञ तीर्थ स्नान दान व्रत अनुष्ठान तपस्या जो नाना प्रकार के कर्मों में जो है अंतःकरण की जो है वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी ध्यान करने से होती है। ध्यान करने से होती है, भक्ति करने से होती है। इसलिए कहा है जैसे अग्नि जो है जो काष्ठ को जो है जी वशीभूत कर देती है, वैसे ही भगवान की भक्ति जो है जो मनुष्य के पापों को तत्काल जो है वह समाप्त कर देती है। जे फल है जे जप का, माँ की भक्ति का, आप जो भी आदेश देव है वह नाम जप का, तो श्रद्धा युद्ध होकर के भक्ति करें, और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, आप जो चाहेंगे वह सब देव कृपा से पूर्ण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस जगजन्य जगत माता की इस पिंडी रूप में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ की इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती के जो मूल मंत्र का जप करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी रूप में माँ के दर्शन करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है, और इन तीनों देवियों के ऊपर सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे द्रव्य की जय। अभी भजन के वेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री श्री जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सा मिलकर बोला ताली जाती है श्री श्री जी। जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा, और सच्चे दरबार की जय। तेरी मर्जी बिना कोई भी मां तेरे दर तक आ नहीं सकदा। मजनू तेरा बुलावाया जावे ओनू कोई रोक नहीं सकदा। हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा। जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा। बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा। जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा। जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा। जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा। जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा। जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा। ताली सभी हाथ खुलकर लगे दिल वाली नहीं, एक बार सही भक्तन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज समय ऊपर
माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भद्र कर सके। हो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने, तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने, हो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट कट जांदे ने, तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट कट जांदे ने, ओ इक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे ने, एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे ने, ओ एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे ने, एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे ने, ओ इस रहमत दा मेरे उत्ते साया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ इस रहमत दा मेरे उत्ते साया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ तेरे दर ते कोई कमी नहीं लखां ही सवाली आंदे ने, तेरे दर ते कोई कमी नहीं तेरे दर ते कोई कमी नहीं लखां ही सवाली आंदे ने, तेरे दर ते कोई कमी नहीं लखां ही सवाली आंदे ने, तू सब दे दिलां नू जाने मां बिन मंगियां सब कुछ पांदे ने, तू सब दे दिलां नू जाने मां बिन मंगियां सब कुछ पांदे ने, तू सब दे दिलां नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पौंदे ने, ओ सब दे दिलां दी जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पौंदे ने, ए अजब नजारा दर्शन दा पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ए अजब नजारा दर्शन दा पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया, जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, मां दर ते जदों बुलांदी चरना दे बिच थां देंदी, मां दर ते जदों बुलांदी चरना दे बिच थां देंदी, मां दर ते जदों बुलांदी चरना दे बिच थां देंदी, मां दर ते जदों बुलांदी चरना दे बिच थां देंदी, ओ दुख सारे सब दे मिटांदी है मां सुखां दी छां देंदी है, दुख सारे सब दे मिटांदी है मां सुखां दी छां देंदी है, ओ दुख सारे सब दे मिटांदी है मां सुखां दी छां देंदी है, दुख सारे सब दे मिटांदी है मां सुखां दी छां देंदी है, जश मैया दा सब ना मिल के गाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ यश मैया दा सब ना मिल के गाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जगदंबे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैनू
ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਵੀ ਬੁਝ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਮਾਂ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਲੋਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਲੋਨਾ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਜੈ ਮਾਂ ਹੈ ਜਗ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਜੋ ਦਰ ਪੇ ਆਏ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਮਾਂ ਮੋੜ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਮਾਂ ਤੂਨੇ ਬਿਪਤਾ ਟਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਮਾਓ ਕੋ ਬੇਟੇ ਜੈ ਮਾਂ ਬਹਿਨੋ ਕੋ ਭਾਈ ਜੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸੇ ਜੈ ਮਾਂ ਹਰ ਨੇਮਤ ਪਾਈ ਜੈ ਮਾਂ ਖਤਿਓਂ ਸੇ ਭਰੇ ਹੈ ਜੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੈ ਮਾਂ ਜੋ ਤੂਨੇ ਤਾਰੇ ਜੈ ਮਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਿਤਾਰੇ ਜੈ ਮਾਂ ਹਮ ਹੈ ਫੂਲ ਤੇਰੀ ਬਗੀਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਜਬ ਜਬ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਤੂਨੇ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸਹਾਰਾ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਸੇ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਜੋ ਸਿਰ ਕੋ ਝੁਕਾਏ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਜੋ ਰੋਤਾ ਆਏ ਉਹ ਹੱਸਤਾ ਜਾਏ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਆਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਪਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਤੀਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਖੂਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ
सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली। तीनों मिल करे हुए तो बन गई माँ झंडे वाले। माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली। तीनों मिल करे हुए तो बन गई माँ झंडे वाली। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली। तीनों मिल करे हुए तो बन गई माँ झंडे वाली। सेवादारों को जय जय माँ, माँ भूल न जाना जय जय माँ। अपने चंचल को जय माँ, चरणों से लगाना जय जय माँ। है दया की देवी जय जय माँ, है पालनहारी जय जय माँ। और तूने झंडे वाली हम तेरे भिखारी जय जय माँ। नाच रहे हैं मस्ती में माँ से दे ताली। तीनों मिल करे खुए तो बन गए माँ झंडे वाली। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली। तीनों मिल करे खुए तो बन गए माँ झंडे वाली। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय माँ काली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाले। हाँ कृष्ण निवारे पार उतारे माँ बलशाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय महाकाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। सरस्वती माँ लक्ष्मी जय महाकाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। हाँ तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। तीनों मिल करे खुए तो बन गई माँ झंडे वाली। बन गई माँ झंडे वाली। बन गई माँ झंडे वाली। माँ बन गई माँ झंडे वाली। बन गई माँ झंडे वाली। माँ बन गई माँ झंडे वाली। बन गई माँ झंडे वाली। जयकारा शिरोमणि जी का बोले सच्चे दरबार की जय। तो ये भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली दल बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियूं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जय जय मामा जय जय मामा मेरी मामा जय जय मामा। ओ जय जय मामा जय जय मामा मेरी मामा जय जय मामा। भरोसे पर मैंने एक तेरे भरोसे पर मैंने
अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफाए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफाए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफाए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफाए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरी पतवार न टूटे, हाथों से तेरे मेरी पतवार न टूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न झूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न झूठे। माँ जग रूठे मेरी माँ न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जय जय मामा, जय जय मामा मेरी मामा, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मामा मेरी मामा, जय जय मामा। जब जब कर खा कर मैं, जब जब भी ठोकर खा कर मैं, चलते चलते गिर जाता हूँ, चलते चलते गिर जाता हूँ, जब जब भी ठोकर खा कर मैं, जब जब भी ठोकर खा कर मैं, चलते चलते गिर जाता हूँ, चलते चलते गिर जाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। हाँ तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे, तार कभी वो तार ना टूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, हाँ और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले। बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले, कर मैया तेरा एक प्यार मिले। माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, हाँ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न टूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न टूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न टूटे, जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न टूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न टूटे, जियो मैं
जयकारा शिरवली दल बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़ सुधंसे भ्रमति जगणे दक्षिणे चक्षुत्र स्वामे हस्त दिव्यं भक्तकणकमयं पुस्तकं जनगम्यं सभिनाभदन्ते स्वकृतकृतभिः शास्त्रविज्ञानशब्दे क्रीडन्तरूपाकरकमलधर भारते सुप्रसन्न सचिन ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवाद 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 15 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज नौमी तिथि ही बुधवार तदनुसार 27 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की ऐसी मनोकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः नवमी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवत की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए है। अष्टमी नवमी चतुर्दशी ये माँ भगवत के विशेष दिन होते हैं जिसमें की भगवती विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणाफल होता है। फिर शक्ति पर परा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रही और प्रसन्नता पूर्वक माँ वैष्णो देवी अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में आपके गृहस्थ में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उत्तर उन्नशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपका मंगल करें, कारोबार वृद्धि करें, सर्वत्र जो है आपका मंगल मंगल करें, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वहर साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे भैर दर्भ जलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्त मित्राणाम देशस्त शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यम अविदत शमानम हियते धनम धान्यम पशुं भवपुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निषद न धावत मैया जी को निषद न धावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय मैया की को मृग मध को
Come on.
जी को निषद न ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धर्माधि की जय बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः दुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहाद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता जी, सबल बोलो जय माता जी, बोलो जय माता जी, 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 तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, देहि जयं देहि रूपं, देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं
चामुण्डाय विद्ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः प्रभु बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्त का मंगल करें। जय माता दी।
सबकी मनोकामना पूर्ण हो वो सच्चे वो सच्चे वो सच्चे देव्यै नमः पाद्यो पाद्यं हस्यो अरेव्यं मुहिजो वायु सर्वंगे सारं नमस्ते यामु नमः ओम गंधद्वारं दुरागं सन्नितभुषं प्रदीपं ईश्वरं सर्वभूतानं काम्यो भवेश्यं
ओम No.